हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार रन क्लासेस फॉर यू में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हम करेंगे कार्य तथा ऊर्जा। ये पार्ट नंबर हमारा थर्ड है। इससे पहले हम पार्ट नंबर टू कर चुके थे, हमने उसमें आपको बेसिक भी बताया था और जो भी आपके सारे फार्मूले थे वो भी हमने आपको बताए थे। आज हम करेंगे सवाल नंबर सेवन। इससे पहले हमने दो पार्ट किए हैं, जैसा कि हमने बताया कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स नंबर तक सवाल हमने कर लिए थे। आज सवाल नंबर है हमारा सेवन। तो कैसे करेंगे सेवन सवाल, चलिए बढ़ते हैं उस सवाल की तरफ। तो आपका सवाल बोला गया है कि एक इंजन की सामर्थ्य 30 किलोवाट है, जिसके द्वारा 100 किलोग्राम के पिंड को 50 मीटर ऊंचाई तक उठाने में कितना समय लगेगा। तो ये आपको बताना है। जी आपको दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हो, जो आपको दिया होता है वो हम लिखते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, ठीक है? तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले आप यही लिखोगे कि दिया है। तो क्या क्या दिया है वो आप देख लीजिए, ठीक है? सवाल नंबर सवाल में है जो आपको दिया है वो लिखोगे, ठीक है? दिख रहा ना आपको, तो लिखोगे दिया है, यहाँ से लिखोगे आप लोग दिया है। क्या दिया है आपको, एक पिंड एक इंजन की सामर्थ। तो ये दिया है आपको इंजन की सामर्थ। तो इंजन की सामर्थ्य क्या होती है, पी। जो आपको सामर्थ्य दे रखी है वो दे रखी है आपको 20 किलो वाट, ये दे रखा है। तो 20 किलो वाट है, तो आप जानते हो क्या जानते हो, ध्यान से देखिएगा क्या जानते हो। आप जानते हो कि 1 किलो वाट, जैसा कि हमने आपको बताया था कि 1 किलो वाट बराबर होते हैं आपके कितने, 1000 वाट, सही है ना? 1 किलो वाट बराबर होते हैं आपके 1000 वाट। अब क्या हो जाएगी, इंजन की सामर्थ। आप भी जानते हो आपकी कोई भी यूनिट होती है वो क्या होना चाहिए, SI यूनिट में होना चाहिए। अगर CGS में है तो CGS में, अगर SI में है तो SI में होनी चाहिए। इतना आप भी जानते हो। तो क्या हो जाएगा, 20 गुणा किलो का कितना हो जाएगा 1000। 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं, 1000। तो 1000 यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, 20 गुणा 1000 वाट हो जाएगा। ये आपकी क्या है, सामर्थ पी। क्लियर हो गया इतना अच्छे से? अब जो बोला गया दूसरे नंबर पे, बोला गया इसके द्वारा 100 किलोग्राम के पिंड को, तो द्रव्यमान आपको दे रखा है, कितना दे रखा है द्रव्यमान। तो यहाँ पे लिखोगे आप लोग द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या होता है आपका, यम दे रखा है आपको कितना, 100 किलोग्राम। तो आपको पता चलेगा कि द्रव्यमान आपका कितना है, 100 किलोग्राम है। चलिए और क्या बोला, पिंड को 50 मीटर तक उठाने में कितना समय लगेगा, कितना मीटर उठाने में। तो आपको ये क्या दे रखी है, ऊंचाई, ऊंचाई भी आपको दे रखी है h, कितना आपको दे रखी है 50 मीटर। चलिए ये भी आपको दे रखा है। आपसे क्या पूछिए, कितना समय लगेगा, आपसे समय पूछा है। तो हमने बताया था आपको, क्या बताया था, ठीक है ना, क्या बताया था, आप जानते हो जो सामर्थ होती है, सामर्थ का हमने आपको एक फार्मूला बताया था। क्या बताया था, वो बताया था हमने सामर्थ, जो सामर्थ बराबर पी होती है वो होता है आपका कार्य बटे समय। कार्य करने की दर ही क्या होती है, आपकी सामर्थ होती है, जानते हो ना इतना। कार्य क्या होता है आपका, डब्लू। समय क्या होता है आपका, टी। तो यहाँ से पी बराबर क्या हो जाएगा आपका, डब्लू बटे टी। और क्या है आपकी, उठा रहा है, क्या करा, उठाने में कितना समय लगेगा। तो आप भी जानते हो कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ है, उसको ऊपर उठा रहा है, तो ऊपर उठा रहा है तो आप क्या लिखते हो, डब्लू बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो W बराबर आपका क्या हो जाएगा, MGH हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ऊपर उठाने की ऊर्जा क्या होती है आपकी, स्थिति ऊर्जा। यही जो आपका कार्य जो है किसके बराबर हो जाता है, स्थिति ऊर्जा के बराबर हो जाता है। और बटे क्या है आपका, समय, ठीक है। स्थिति ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम लोग स्थिति ऊर्जा बोलते हैं। क्लियर। आगे तो यहाँ से आप लोग पी, पी कितना दे रखा है, मान रख दीजिए पी कितना दे रखा है, यहाँ देखोगे क्या है, सामर्थ्य पी दे रखा है आपको 20 गुना कितना दे रखा है, ये कितनी दे रखी है, देखो क्या है, 20 गुना 1000। तो यहाँ दे रखा है 20 गुना 1000 हो गया बराबर, यहाँ दे रखा है आपको 100 किलोग्राम, तो यम का मार 100 किलोग्राम। जी जी आप देख पा रहे हो कितना दे रखा है आपको, 10, कितना दे रखा है, 10 दे रहा है, देख लो 10 दे रखा है। चलिए तो जी का मार किए आप लोग 10, ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको 50, तो इसका मान रख दीजिए। तो बटे आपको समय निकालना, सही है, समय क्या करना है आपको, निकालना है। तो क्या करोगे आप लोग,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा 20 गुणा 1000 हो जाएगा, और गुणा क्या हो जाएगी, तिरछी गुणा कर रहे हैं हम लोग, क्या हो जाएगा टी, और बराबर क्या हो जाएगा आपका 100 गुणा 10 गुणा 50। यहाँ से अगर आप टी निकालोगे, क्या निकालोगे टी, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टी मतलब समय निकालोगे, तो 100 गुणा 10 गुणा 50 बटे कितना 20 गुणा 1000। तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 चला गया, और 1 0 से 1 0 चला गया, तो टी बराबर कितना बचा आप देख पा रहे हो, 5 बटे 2, तो 2 दूनी 4 2 5 10, तो टी बराबर आ गया आपका 2.5 सेकेंड। तो कितना समय लगा, तो आप जानते हो कि 2.5 सेकेंड लगे। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, समझ पाए ना आप लोग आसानी से, ठीक है ना, बड़े प्यार से और अच्छे से हम लोग समझाएंगे आपको। अब हम करेंगे सवाल नंबर आपका 8। तो सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना, पढ़ने के बाद आप लोग सवाल को अच्छे से कीजिएगा। क्या बोला गया है कि 5 किलोग्राम भार के एक पत्थर के टुकड़े को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, पृथ्वी से टकराते समय उसकी गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण आपको ये दे रखा है, तो कैसे करोगे आप इस सवाल को, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या दिया है, दिया है क्या दिया है, सबसे पहले यही लिखते हो कि दिया है, क्या दिया आपको, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कितना दे रखा है, द्रव्यमान को किससे प्रेरित करते हैं, हमसे। द्रव्यमान दे रखा है कितना आपको, 5 किलोग्राम, तो 5 किलो द्रव्यमान हो गया, ठीक है। कितनी ऊंचाई, और ऊंचाई दे रखी है पिंड की, इनकी ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, वो दे रखी है आपको 10 मीटर, दे रखी है नहीं दे रखी है, लो दे रखी है। और उसके गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए, आपको गतिज ऊर्जा बताने है, और गुरुत्वीय त्वरण आपको दे रखा है, कितना दे रखा है गुरुत्वीय त्वरण आपको, दे रखा है कितना जी, दे रखा है आपको 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और गतिज ऊर्जा आपको के बतानी है, ठीक है। सारे हमने नोट डाउन कर लिए, तो देख पा रहे होंगे आप लोग, द्रव्यमान दिया है 5 kg, ऊंचाई दे रखी 10 मीटर, गुरुत्वीय त्वरण दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, के हमें निकालनी है। तो आप जानते हो जो गतिज ऊर्जा होती है आपकी के, के क्या होती है, 1/2 mv² होती, नहीं होती है बोलोगे, होती है। तो आपको क्या, आप देखो द्रव्यमान भी पता है कि नहीं, ये द्रव्यमान आपको पता है, बी पता है, बी नहीं पता है, तो आप लोग बी निकालोगे, कैसे निकाल लोगे देखिएगा। तो सबसे पहले आप सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद जो है आप आसानी से कर पाओगे। 10 मीटर की ऊंचाई गिरा जाता है, तो ऊंचाई का सूत्र लगा दीजिए, आपका गति का द्वितीय समीकरण लगाओगे क्या, गति का तृतीय समीकरण से, ठीक है ना, गति का तृतीय समीकरण कौन सी आपकी, जो आपके द्वारा वाली होती है, तो लगा दीजिए क्या हो जाएगा, v² = u² + 2gph हो जाएगा इतना, और आपको v² ही निकालना है। u क्या हो जाएगा आपका, u ये 0 + 2, g का मान 10, h कितना है आपका 10, h भी कितना है 10, तो यहाँ से आपका v² क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 × 100, ये हो जाएगा। अगर आप इसको पूरा हल करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका v² = 200 हो जाएगा। क्या मात्रक होता है इसका, मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया। आपको क्या बताना है, गतिज ऊर्जा बतानी, तो यहाँ लिखोगे गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 mv², तो ये हो जाएगा 1/2 m, कितना दिया था आपको 5 kg, m कितना दिया देखो ध्यान से, 5 kg दिया है m, यहाँ लिखोगे 5 kg, और 20 अभी निकाला है कितना 200, तो 200 निकाला, ठीक है ना। तो क्या करोगे आप लोग, काट लीजिए इसको, 2 × 1 = 200 आ गया, के बराबर कितना आ जाएगा, 5 × 100 5 × 100, तो के बराबर कितना आ जाएगा आपका 500, क्या मात्रक होता है, जूल, कितना आ जाएगा आपका के बराबर 500 जूल। तो इस सवाल को भी आप लोगों ने आसानी से किया, समझ में आ गया, अच्छा सवाल आपने कर लिया। अब हम सवाल नंबर कौन सा देखने वाले, 9, ये 8 सवाल था, आप लोग हम 9 देखेंगे। 9 क्या कह रहा है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। 9 कह रहा है कि 10 किलोवाट सामर्थ्य वाले एक इंजन द्वारा 80 मीटर की ऊंचाई पर स्थित
एक पानी की टंकी जिसकी क्षमता 50 किलो लीटर है को भरने में लगने वाले समय की गणना कीजिए, और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड² है। समझ में आया? तो चलिए करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यही करना है कि जो आपको दिया है, तो आपको क्या क्या दिया है, सामर्थ्य दी है कितनी, कितना 10 किलोवाट, तो यहाँ लिखोगे दिया है, क्या दिया है, लिखोगे सामर्थ्य, सामर्थ्य बराबर कितनी, सामर्थ्य क्या होती है, पी 10 किलोवाट, 10 किलोवाट। आप जानते हो कि 1 किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 1000 वाट होता, नहीं होता है, अतः तब सामर्थ्य कितनी हो जाएगी, तब सामर्थ्य कितनी हो जाएगी आपकी 10 × 1000 क्या वाट हो गई। इसको हम हल नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे इंजन द्वारा 80 मीटर की ऊंचाई पर स्थित, देखो क्या बोला गया, आपका कोई ऊपर टंकी है पानी की, ये मान लो आपकी टंकी है, नीचे आपका चल रहा है मोटर, ये मोटर आपका नीचे चल रहा है, समझ में आ गया, इस टंकी को पाइप द्वारा भरने में कितना समय लगेगा, तो ये ऊंचाई आपको दे रखी है कितनी 80 मीटर, ये ऊंचाई दे रखी है आपको 80 मीटर, तो इस टंकी को भरने में उसे कितना टाइम लगता है, देख लीजिए कितनी क्षमता है टंकी की, टंकी की क्षमता 50 किलो लीटर, कितनी है 50 किलो लीटर, देख लीजिए कितनी है 50 किलो लीटर, तो इसकी क्षमता है, इसमें कितना पानी आ जाता है, 50 किलो लीटर पानी आ जाता है इसमें, तो ठीक है। और टंकी की ऊंचाई दे रखी है आपको, लिखो टंकी की ऊंचाई, जो जो दे रखा है वो लिख दीजिए, एच कितना दे रखा है आपको 80 मीटर, 80 मीटर हो गई आपकी टंकी की ऊंचाई, चलो इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। टंकी की क्षमता यानी कितना पानी आ रहा है, तो टंकी का द्रव्यमान आपको दे रखा है, ठीक है ना, वो द्रव्यमान दे रखा है आपको कितना, ये दे रखा है 50 किलो लीटर, 50 किलो लीटर दे रखा है, आप जानते हो 1 किलो लीटर, 1 किलो लीटर बराबर कितने लीटर होते हैं, 1000 होते नहीं होते हैं, 1000 लीटर हो गए, ये भी क्लियर हो गया। चलिए तथा द्रव्यमान क्या हो जाएगा आपका, द्रव्यमान क्या हो जाएगा, यम बराबर हो जाएगा 50 × 1000 लीटर, हो गया इतना। चलिए इतना होने के बाद आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि समय की गणना कीजिए, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण दे रखा है, और आपको पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण दे रखा है कितना है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जी दे रखा आपको 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए सामर्थ्य दे रखी, क्या फॉर्मूला लगाओगे, पी बराबर डब्लू बटे ई से, तो आप जानते हो कि ऊंचाई पर पानी जाना है, तो इस वाले बिंदु पर की ऊंचाई पर कौन सी ऊर्जा होगी, इससे ऊर्जा होगी उसी क्या होती है एम जी एच, तो ये डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा आपका डब्लू बटे टी बराबर क्या हो जाएगा, एम जी एच बटे पी हो जाएगा, ये किसके बराबर है आपकी शक्ति के बराबर है। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया समय, समय पूछा गया, चलिए तो पी कितना है आपको ये देख पा रहे होगे, पी ये दे रखा है 100 × 1000, पी है आपका 100 × 1000, देख पा रहे हो ना आप लोग, और यम कितना दे रखा है, यम ये दे रखा है आपको 50 × 1000, 50 × 1000, और जी जी आपको 10 दे रखा है, एच एच आपको दे रखी 80 मीटर है कि नहीं, साफ साफ लिखा, और टी आपको निकालनी। चलिए आप देख पा रहे होगे ये वाला जो पार्ट है, इधर गुणा होगी ये गुणा होगी, इसके इधर गुणा होने के बाद ये क्या हो जाएगा, बटे में इधर आ जाएगा ना, जैसे सीधा आप काट लीजिए, चलिए काटोगे 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, 3 0 से 3 0, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका, और क्या हो जाएगा, 1 0 बचा 1 0 से 1 0, क्या हो जाएगा आप बताइए, अब कितना हो जाएगा, और 80 गुणा कितना 1000, ठीक है ना, ये भी तो है क्या, 50 गुणा 1000 कहाँ गया, 50 गुणा 1000 सॉरी, और 10
और कितना है आपका 80, कितना हो गया? तो चलिए यहाँ काट लीजिए, काट लिया, कितना आ गया आपका? कितना आ गया? ये आ गया आपका 5 8 40, ठीक है ना? देखो जीरो कितने हैं आपके, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गई, ये नहीं कटेगा, ठीक है ना? तो ये नहीं कटेगा, देखो ध्यान से देखना आप, समझ जाना क्या था आपका यहाँ पे। देखो आपका ये था 10 गुणा 1000 बराबर क्या था आपका, क्या था बराबर? यहाँ देखो 10 किलोवाट, ये आपकी होगी 10 किलोवाट। यम कितना था? यम यम आप देख पा रहे हो क्या था? 50 किलो लीटर। तो क्या बनाया था हमने? 50 गुणा 1000। जी कितना था? 10। और ये कितनी थी आपकी? 80 तीन थी यहाँ पे, और बट्टे क्या था आपका? टी, फिर से गुणा कर लीजिए, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? 100 गुणा 1000, 100 गुणा 1000 गुणा क्या हो जाएगा? टी गुणा चलेगी, और क्या हो जाएगा? 50 गुणा 1000 गुणा 10 गुणा 80। ये गुणा में इधर के एक इसमें आ जाएंगे भाग में, तो टी बराबर क्या हो जाएगा? 50 गुणा 1000 गुणा 10 गुणा 80, और बटे हो जाएगा आपका 10 गुणा 100। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, चला गया नहीं? चला गया, और 1 0 और था, 1000 होंगे, 1 0 और, तो टी बराबर कितना आ जाएगा? 8 10 8 800। तो 5 गुणा क्या हो जाएगा? 800 हो गया नहीं हो गया? तो यहाँ से टी बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 5 8 40, 40 2 0 और कितना आ जाएगा? सेकेंड, कितना आ जाएगा आपका? 4000 सेकेंड। ये जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है? तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, तो बताइए कैसी लगी क्लास, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है साथियों? थैंक यू।